चलो आगे की आयत, आयत नंबर 109। यौम इज़िन, उस दिन ला तनफ़ऊ, ना फ़ायदा पहुँचाएंगी शफ़ातुन, शफ़ात किसी की, इल्ला मगर मन जिसको अज़ीना हुक्म कर दे लहू उसको रहमान रहमान, व रज़िया और राज़ी हो जाए लहू उसके कौलन किसी बात से। तो वही मंज़रकशी की जा रही है आखिरी की, कि दबी दबी आवाज़ निकालेंगे सब उस दिन, और उस दिन कोई शिफात भी नहीं कर सकेंगे, यानी शिफात का हक होगा नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी होंगी, कोई किसी की शिफात ही नहीं कर सकेगा, जिसको अल्लाह शिफात का हुक्म देगा उसको, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सजदे में गिरे पड़े रहेंगे, सजदे में बहुत देर तक सर झुका कर अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द सना, और ये टाइम भी बहुत लंबा चलेगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदे में अल्लाह ताला के सामने गिरे रहना और अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करना, अल्लाह ताला इतना गज़ब में होगा किसी की सुनेगा ही नहीं। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर बे इंतहा हम्द सना करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला रहमत की नज़र करेंगे और कहेंगे कि ऐ नबी आप अपना सर उठा, रब बता तू क्या चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त देंगे कि शिफात कर, अब तू, मैं तुझसे राज़ी हुआ, अब बता तू क्या चाहता है, आप सल्लम से पूछेंगे। यालमु माबैन अयदीहिम, और जानता है माबैन अयदीहिम जो उनके हाथों के दरमियान है, वमा खल्फहुम और उनके पीछे, वला युहीतूना और नहीं अहाता किए हुए है कोई भी बिही इल्मन उसके इल्म का, और अल्लाह पाक अच्छे से जानता है जो कुछ आगे भेजा, जो कुछ दरमियान में है, और उसके इल्म का कोई भी अहाता नहीं कर सकता। वह अनीता और झुके हुए होंगे वह झुक चेहरे, लिल हय्युल कय्यूम, हय्युल कय्यूम सदा जिंदा रहने वाला और कायम रहने वाला, वकद खाफा और ना मुराद हुए वो मन हमला जिसने उठाया जुल्मन कोई बोझ, और अल्लाह ताला के सामने हैबत से सबके चेहरे झुके हुए परेशान हैबतनाक होंगे, झुके हुए होंगे वह अनीति, झुके हुए होंगे चेहरे सब के, किसके सामने, हमेशा जिंदा रहने वाले कायम रहने वाले के सामने, और जिसने थोड़ा भी जुल्म किया होगा अल्लाह पाक उसके जुल्म को बख्शेगा नहीं, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं ना कि एक बकरी बेसिंग वाली बकरी पे सिंग वाली बकरी ने भी जुल्म किया होगा तो अल्लाह उसको भी नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ताला ने कसम उठा के रखी है कि मैं ज़र्रा बराबर भी जुल्म बर्दाश्त ही नहीं करूँगा। तो अल्लाह वही बात यहाँ बयान की जा रही है कि जिसने ज़रा सा भी जुल्म किया होगा वो नामुराद हो जाएगा, वक़द ख़ाबा नामुराद हो जाएगा। वमई अमल, और जिसने अमल किए, मिनस सालिहात नेक, व हुआ मोमिनुन मोमिनों में से, फ़ला युखाफ़ू और ना उस पर खौफ होगा जुल्मन किसी जुल्म का, वला हज़मन और ना ही किसी नुकसान का, उसे कोई खौफ नहीं होगा। वकज़ालिका, और इसी तरह, अनज़लनाहू हमने नाजिल किया कुरान, कुरान अरबियन अरबी ज़बान में, वसर्रफना और फेर फेर कर बयान किया, फ़ीही इसमें, मिनल वईद डरावे नसीहतें, लअल्लहुम ताके यत्तकून तुम तक़वा इख्तियार करो, और अल्लाह पाक ने और यह दिसु ताकि पैदा कर दे लहूँ उनके लिए ज़िक्रन कोई नसीहत। और अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है कि अल्लाह पाक ने कुरान को किस में नाजिल किया, अरबी में नाजिल किया, और इसमें फेर फेर कर वईद डरावे बयान किया ताकि तुम तक्वा इख्तियार करो, डरावे और यहदिसु पैदा किया उनके लिए ज़िक्रन उसमें अलग अलग तरह की नसीहतें, फ़तः अला फिर वह आला है, बरतर है, अल्लाह सबसे बरतर है, मलिकु बादशाहत है, हक्कु सच्ची, अल्लाह पाक सबसे बरतर है और उसकी बादशाहत सच्ची है, वला ताजल और ना जल्दी कीजिए, बिलकुरआन कुरआन में, मिन कबली इससे पहले, अय्युक्ज़ा के पूरा हो जाए, इलैका आपके तरफ, वह यूहू उसकी वही, अल्लाह पाक आपसे सलम से फरमा रहा है कि आप जल्दी ना कीजिए कुरान में इससे पहले कि पूरी हो जाए आपकी तरफ वही। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कहिए ऐ मेरे रब ज़िदनी ज़्यादा कर इल्मन मेरा इल्म। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती थी तो आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ते थे, यानी इधर से सुनते थे इधर से पढ़ते थे, और ऐसा सोचते थे कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो बड़ी तकलीफ़ में, यानी इधर से वही आ रही और वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ होती थी ना, हमको पता है ना कि कितनी तकलीफ़ होती थी, कई दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल काँपते थे, पसीना छूट जाता था, इतनी तकलीफ़ होती थी, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िक्र होती थी कि मैं याद भी कर लूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर होता था कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ। तो इस आयत से आपकी मशक्क़त कम कर दी गई कि ऐ मेरे नबी तुम जब तक वही पूरी ना हो जाए तुम जल्दी मत करो कुरान पढ़ने में, यानी कुरान को पढ़ो नहीं, सिर्फ खामोशी से सुन लो जो कुछ वही की जा रही है, खामोशी से सुन लो, आप
अपने दिल से कोई भी आयत भूलेंगे नहीं, आपको कुरान याद करवा दिया जाएगा। आप इस मशक्क़त में मत पढ़िए कि साथ साथ पढ़ते रहे, साथ साथ याद करते रहे, और बस आप ये दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती कर।